ये जो है टॉम डोंग खान की है, और इसकी एक स्पेशल बात ये भी है कि जो ये जो है, ये जो थे किंग, ये अपने कजिन्स में, मतलब अपने ब्रदर्स में सबसे बड़े थे, लेकिन ये किंग बने सबसे लेट। और किंग बनते ही उसके 3 साल बाद एट द एज ऑफ 25 ही गॉट इल एंड डाइड। और मरने के पहले इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था यहाँ पे। उन्होंने टॉम वगैरह में टेंपल्स वगैरह थे नहीं पहले, तो ही ऑर्डर फॉर द टेंपल। एंड यहाँ के जो भी आप ये सीवेज वगैरह के और ये इंटरनल आर्टिफैक्ट्स देख देख रहे हैं, वो इनका ही कराया हुआ है। लेकिन ये जो है टॉम्ब, ये टॉम्ब इन्होंने खुद नहीं बनवाया है, ये टॉम्ब बनवाया था एम्परर खाई डेन ने, जो कि किंग डोंग खान के बेटे थे। एंड इट वाज बिल्ट इन 1916, और बनते बनते 5 साल का टाइम लगा था, तो ये 1921 में जाके हो गया था रेडी। एंड उसके बाद से लेके थोड़े बहुत काम और थे पेंडिंग, जो कि 1923 में जाके कंप्लीट हुआ था। तो ये हिस्ट्री रहा है। और आप अगर वियतनाम के बारे में और पढ़ेंगे ना, तो काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है इन इनकी भी पहले के ज़माने में। सो यू विल फील मच मोर कनेक्टेड टुवर्ड्स इट। दीज प्लेसेस आर सच अ ट्रेजर एंड प्लेजर टू वॉच। इतनी ब्यूटिफुली बनाई हुई है। हम आज के डेट पे देखते हैं तो ये सोचते हैं कि आज से 200 साल 500 साल पहले कैसे ये लोग बनाते थे, बट आज के डेट पे भी द क्वालिटी एंड द क्या बोलते हैं डिज़ाइंस आर यूनिक। This is the map.
ये भी सिमिलर ही है जो भी हमने देखा है, उससे अलग अलग मिनिस्ट्री काइंड ऑफ कह सकते हो वो है। पहले इसके यूज़ होते होंगे, अब इसको म्यूजियम सॉर्ट ऑफ बना दिया गया। राजमहल काइंड ऑफ कह सकते हो आप, ये वो है टूडॉक टॉम ऑफ। नहीं ये तो क्या था, कुछ नाम अलग था इसका, बांग थो करके था कुछ। शायद ये लोग रहते हैं यहाँ के लोग, क्या एम्प्लॉइज। ये यहाँ के गॉड या गॉडेस का कुछ होना चाहिए, आई डोंट नो बट काइंड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे आरती अगरबत्ती चीज़ें रखी हुई है। सोलफुल जगह है काफ़ी, सोलफुल पीसफुल। दिस शुड बी प्रेयर काइंड ऑफ प्लेस जहाँ प्रेयर्स होते होंगे। ये मे बी ड्रेसेस होंगे इनके, होली पूजा वगैरह में लोग पहनते होंगे या कुछ ऐसा। और ये मुकुट थ्रोन पे बैठना मना है यहाँ पे, ठीक है नहीं बैठना। और ये रहा यहाँ की एंट्री, यहाँ सब जगह ना 1.5 लाख VND ही लग रहे हैं। 1.5 लाख VND अप्रॉक्सीमेटली आप मान लो 330 से डिवाइड कर ले यार, अभी का जो चल रहा है रेट। इसलिए इसमें भी बहुत सारे This bridge seems beautiful. Bên này
दिस इज इम्पीरियल सिटी ऑफ सिटाडेल। अब भी बज रहे हैं शाम के 5:30 एज पर वियतनाम टाइम, इंडिया के हिसाब से 4। और अभी हम इम्पीरियल सिटी में हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि एक टाइम पे कैपिटल हुआ करता था वियतनाम का, और वॉर में भी यहीं पे जो वॉल बना है सिटाडेल का, यहाँ जो पीछे मेरे पीछे जो वॉल है ये बहुत ही हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस रखता है, मेरे पीछे जो है प्लस ये जो सामने है, ये है फ्लैग वहाँ पे वियतनाम का, तो इट हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस। अभी हम वेट कर रहे हैं ये जो लाइट्स हैं यहाँ पे ये ऑन होने का, क्योंकि उसके बाद ये जो रास्ता है अब मैं आपको अभी दिखाता हूँ और इसके थोड़ी देर बाद दिखाऊँगा कितना सुंदर लगेगा। देखो ये जो रास्ता है अभी ये दिस विल लुक अ होल लॉट बेटर। और ये भी तो इसी के लिए वेट कर रहे हैं। यही था हमारा आज का लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, बट यहाँ भी जो दिन के टाइम में इतना मज़ा नहीं आता जो रात के टाइम में। वियतनाम में लाइटिंग बहुत ही स्पेशल है, यहाँ पे जो ये लैंप्स आप देख रहे हैं ऊपर देखिए, और ये सारे लैंप्स ये यहाँ पे पूरा का पूरा शहर उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो देखते हैं अभी थोड़ी देर फिर दिखाएंगे आपको कैसा लगता है ये। दिस इज़ द एंट्री पॉइंट टू सिटाडेल। यहाँ से लेफ्ट का रास्ता है और वहाँ से उस साइड से राइट है, मतलब आप इसके अंदर बाइक लेके नहीं आ सकते। दिस इज़ नॉट अलाउड जोन, क्योंकि इसको हेरिटेज काइंड ऑफ ये लोग बना रहे हैं इसी वजह से। लेकिन अब यहाँ से एंट्री होती है, लेकिन वहाँ से एंट्री होते ही सब लेफ्ट को मुड़ जाती है। It's not allowed. ब्यूटीफुल सिटी हुए इस, मतलब मैं अभी जस्ट घर जा रहा था, मतलब होटल जा रहा था, एंड रास्ते में आई बम्प्ड अप टूरिस्ट। बस ये कुछ नहीं है, रोड के साइड में छोटा सा एक स्पेस था, मतलब स्पेस है रिवर के पास में, तो उसको इतना अच्छा डेकोरेट करके पार्क बना दिया गया। एंड दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल सो ऑसम कि शाम को आराम से यहाँ पे लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। क्या गजब, मतलब सुंदर और यूज ऑफ प्लेस। मैं सोच रहा था कि वहाँ से कर लूँ कैब, मतलब वही बाइक, बट यहाँ मेरा इतना अच्छा दिख गया, मन ही नहीं गया कि मैं यहाँ से कैब करूँ। सी हाउ ब्यूटीफुल दैट लुक्स।
रिवर के साइड साइड में वहाँ पे पार्क काइंड ऑफ बना दिया है, जहाँ पे लोग साइकिलिंग कर सकते हैं और नॉर्मली घूम सकते हैं। बोट भी है बीच में, अगर आपको इस साइड से जाना है उस साइड, तो बोट्स भी है उधर। किसी अनजान शहर में ऐसे पैदल वॉक करके जाना, आहा मज़ा ही आ जाता है। और वो भी अकेले। कितनी साफ सफाई है यार यहाँ पे, पूरा एकदम चकाचक। ये मॉल टाइप का है कुछ। और सिंस ये राइट हैंड ड्राइव कंट्री है, तो मेरे को भी राइट में चलने की आदत हो गई। अब जब मैं कल आया था कैब में बैठा पहली बार, मुझे देख के अजीब सा लग रहा था यार, हर बार ये लग रहा है कि गलत जा रहा हूँ। फिर आ रहा है यार कि नहीं यार, आई एम नॉट इन इंडिया। चलते हैं अभी कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे होटल। अभी मैं अपने होटल के पास ही आ गया था वॉक करते करते, क्योंकि मैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट कर रहा था सर्च। तो यहाँ ये वाला रेस्टोरेंट है सामने, जो येलो वाला है। चलते हैं देखते हैं कैसा होता है। पीछे ही था मेरा होटल बड़ा, तो ठीक है, ज़्यादा पास है, दूर भी नहीं है। और उसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट सर्व होता है, डिनर है नहीं होता। तो ठीक है भाई, वैसे भी मेरे को वहाँ खाना था नहीं, बाहर ही खाने का था मेरा मन, वो भी हो जाएगा। भूख लग रही है यार, भूख लग रही है। अब हम पहुंचे हैं जाके अपने होटल 6:30 बजे। पहुंच तो पहले ही गए थे, बट एक्चुअली क्या है कि खाने के लिए खोज रहा था बढ़िया कुछ, मेरा नहीं ढंग का इंडियन, और ऐसा कुछ खाने का ना मन नहीं किया। तो हमने क्या किया है कि हमने ऑर्डर कर लिया थैंक्स टू ग्रैब। ग्रैब ऐप ने मेरा वियतनाम का टूर सफल कर दिया भाई। तो वहीं से मैंने ऑर्डर कर दिया पिज्ज़ा और कोक। ठीक है, सुबह मैंने खाया था वो मुक, इतना मज़ा नहीं आया। चलते हैं हमारे रूम के तरफ। अब उसके बाद खाना आए तो खाएं, उसके बाद एडिटिंग में लगे। भूख लग रही है यार बहुत ज़्यादा। मैंने सुबह क्या खाया था सुबह, हाँ एक बार बीच में बस वही खाया था, एक मोक एक प्लेट, उसके अलावा कुछ खाया नहीं। और आज तो इतना मेहनत कर लिया मैंने कि मेरा रूम। ये रूम अपना, हाँ। तो ये रहा आज का हमारा डिनर जो आया है। लास्ट ऑप्शन मेरे को यही मिला और कुछ मिला नहीं। पिज़्ज़ा सीम्स टू बी टेस्टी और वेज है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो गाइस चलो करते हैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म। आई एम रियली कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, पाँव बहुत ज़्यादा वो कर रहा है क्योंकि आज वॉक वीक है ना क्या बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं आपसे कल। कल हम यहाँ से निकलेंगे, यू से जाएंगे होयान, और होयान जाने के रास्ते में हम बाना हिल्स और ड्रैगन ब्रिज ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। और होयान में कल रात को दिखाएंगे आपको हम वहाँ का जो लैम्प शो होता है, और जो पूरे रात को वो शहर पूरा लैम्प लाइट जो रहती है उसमें पूरा जगमगाती है, तो क्या कितना खूबसूरत रहता है वो आपको हम कल दिखाएंगे। बाकी आज तो आपने एक डेमो देख ही लिया है,
बाकी रहेगा ट्रिप, ये रहेगा एकदम रॉ। आपको मैं पूरा का पूरा एक बेसिक एक्सपीरियंस जैसा मैं घूम रहा हूँ, जैसी चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाएंगे, सो दैट यू कैन ऑल्सो फील कि आप भी घूम रहे हैं हमारे साथ। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।